भाई साहब मानवता चैनल पे सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े मेहमानों का और दर्शकों का स्वागत करता हूँ। भाई साहब मानवता चैनल के फेसबुक लाइव चैनल पर हमारे साथ आज के खास विषय पर आप लोगों को हम सूचना देना चाहेंगे कि आज एक तो बसंत पंचमी भी है और मातृ पितृ पूजन दिवस भी है और दूसरा एक और भी सेलिब्रेट किया जा रहा है जो इंटरनेशनल बुक गिविंग डे है। तो इन तीनों सभी चीजों का हम अपने चैनल की ओर से दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज के खास विषय पर हम मातृ पितृ पूजन दिवस पर हमारे बीच में आज काफी मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है। उन सभी मेहमानों का मैं आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि वो थोड़ा स्क्रीन पे अपना परिचय देने के लिए आ जाएंगे। कामनी जोशी जी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के खास प्रोग्राम में। वर्षा जैन बेमित्रा से जुड़ी है, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, पहली बार हमारे इस जूम मीटिंग चैनल पे आ रही हैं। थैंक यू सर। आरती पटेल जी का हम बहुत स्वागत करते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत और धन्यवाद सर। जी नमस्कार। जी रेखा कौशिक जी भी जुड़ चुकी हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस परिचर्चा पर मैं चर्चा करने से पहले साहित्यकार के रूप में कवित्री के रूप में जानी जाती है रेखा कौशिक जी से, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर पहले विचार के रूप में मैं रेखा जी से आमंत्रित करता हूँ कि वो जी आज के खास विषय पर अपनी जी विचार रखेंगे रेखा कौशिक जी। बाकी सभी सभी साथियों से आग्रह है कि वो अपनी आवाज़ को म्यूट रखेंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो, और जिनकी बारी आए वो अपनी आवाज़ और वीडियो को खोलेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो मैं रेखा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आज के इस विषय पर अपनी बात। नमस्कार। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और आज का चर्चा का विषय है मातृ पितृ दिवस। तो माता पिता को, समस्त माता पिता को और माता पिता समान जो भी मेरे संपर्क में है और जिसको मैं जानती नहीं जानती हूँ, उन सबको सादर नमन है, प्रणाम है, चरण स्पर्श है। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी साथियों को मातृ पितृ दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और माता पिता के बारे में दो लाइन में रचना के माध्यम से कहना चाहती हूँ। पिता के बारे में, पिता अनंत सागर जैसा, प्यार का निश्चित नहीं है छोर। पिता अनंत सागर जैसा, प्यार का निश्चित नहीं है छोर। पिता है तो हर रोज ईद दिवाली, पिता है तो हर रोज ईद दिवाली। जीवन में जैसे हो, जीवन में जैसे हो। बाहर से सख्त, अंदर से नरम। बाहर से सख्त, अंदर से नरम। पिता रहते हैं तो जीवन में क्या गम। बेफिक्री का रहता है आलम, बेफिक्री का रहता है आलम। जख्म लगे तो बन जाते हैं मरहम, जख्म लगे तो बन जाते हैं मरहम। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है इस धरती पर। इस धरती पर वही असली भगवान है। जिनके पास माता पिता है वह इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। और जिनके माता पिता अपने बच्चों से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो वो समझो कि उनसे भगवान भी खुश हैं। माँ और पिताजी दो ऐसे अनमोल रत्न हैं जो हमारे पास, जिसके पास भी है वो भगवान तुल्य है। और भगवान भी माता पिता को परम आदरणीय माने हैं, का उदाहरण भी है। जैसे भगवान ने भी अपने माँ बाप की पूजा किए और उसको श्रेष्ठ बताया और श्रेष्ठम स्थान दिए। वे औलाद बड़े बदनसीब हैं जो माँ बाप की बंटवारा करते हैं। दुनिया में माँ बाप ही हैं जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बाकी तो बाकी रिश्तों में जिसे मोल चुकाना पड़ता है। माता पिता ही हमें बिना मांगे सब कुछ देते हैं।
हमारी सारी ख्वाहिशें को पूरी करते हैं। बचपन से हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों का वो ख्याल रखते हैं और पूरा करते हैं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे कि बुढ़ापे में हमारी उनको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ऐसे समय में हमें उनका सहारा बनना चाहिए। और 2 वक्त की रोटी काफी नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तजुर्बे का भंडार होता है और हमें उनसे प्राप्त करना चाहिए और समय उनको भरपूर देना चाहिए। उनके पास बैठकर उनसे प्यार भरी 2 बातें करनी चाहिए। अपने काम से थोड़ा समय निकालकर उनका हालचाल जरूर पूछें। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार, अपनेपन की वो भूखे होते हैं। और माता पिता को अपने पास रखें, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी मजहब के हो, सभी धर्मों में यही कहा जाता है कि माता पिता का हमेशा सेवा सत्कार करना चाहिए और माता पिता को सेवा को सर्वोत्तम सभी धर्मों में बताया गया है। उसे हमेशा अपने पास रखें, हमेशा वो हमें सुखी रहने का आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं। उनके मुंह से अपने औलाद के लिए, चाहे औलाद सक्षम हो या ना हो, या अच्छे व्यवहार उनके साथ ना करता हो, फिर भी उनके लिए, उनके मुंह से हमेशा दुआ ही निकलती है, उनके लिए आशीर्वाद ही निकलता है और हमेशा उनके सुख की कामना ही करते हैं माता पिता। यदि कोई औलाद गलत काम भी करता है तो भी माता पिता को उनकी वजह से बदनामी सहना पड़ता है और कहते हैं कि इनके माता पिता की सही संस्कार नहीं दिए होंगे इनको, तो तभी बच्चे ऐसे निकले। इस टाइप का भी माता पिता को अपने बच्चों को जैसे सुनना भी पड़ता है। भगवान से मन्नत मांगने के बजाय यदि हम माता पिता की सेवा करें तो सारी मन्नतें हमारी यूं ही पूरी हो जाएंगी। यदि माता पिता का दिल दुखेगा तो कोई भी औलाद सुखी नहीं रह सकता इस दुनिया में। जैसे कि 4-5 बच्चे हैं तो माता पिता उसका पालन पोषण कर लेते हैं और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। अंत में वही बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके लिए जगह नहीं रहता उनके घर में। ये समाज में बड़ी विडंबना है। अंत में उनको यह भी ताना भी सुनना पड़ता है कि बच्चे कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए आखिर किया ही क्या है। तो भले ही माता पिता कितने अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन वह बच्चों को शिक्षा और बेहतर संस्कार देने में सक्षम होते हैं और वो किसी भी स्कूल से कम भी नहीं होते। जैसे कि माँ से हमें संस्कार मिलते हैं, पिता से संस्कार मिलते हैं, और वो पिताजी कितना संघर्ष करते हैं और संघर्ष के समय में सबसे ज्यादा जो साथ निभाते हैं वो माता पिता है और हमें संबल भी प्रदान करते हैं। तो मुश्किल के घड़ी में जो हमें साथ देते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत रहते हैं और हमारे जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं, तो दुनिया में तो सब कुछ हमको मिल जाएगा, लेकिन माता पिता जो है वो हमें नहीं मिलेगा, उसका प्यार हमें नहीं मिल सकता। भले ही पिता स्वभाव से कड़क होते हैं और और उसका दिल मोम की तरह नरम होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से नारियल सख्त होता है ऊपर से, लेकिन नारियल के अंदर उतना ही मिठास भरा जल होता है और मीठा नारियल हमें प्राप्त होता है, उसी तरह पिताजी होते हैं। और एक शब्द और कहना चाहूंगी, मैं बदनसीब हूँ कि मेरे पिताजी नहीं है, और खुश नसीब इसलिए हूँ कि उनके संस्कार मुझे अभी काम आ रहे हैं और जो भी बोल पा रही हूँ मैं माता पिता के बदौलत ही, उनके शिक्षा संस्कार के बदौलत ही मैं आप तक अभी बोल पा रही हूँ, मुझे सुन पा रहे हैं। तो मेरे माता पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है और पिताजी मेरे नहीं है आज, उसको सत सत मैं नमन करती हूँ यहाँ से भी। उनका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बने रहे। और इतना कहकर अपनी वाणी विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, हमारे साथ बने रहे हैं। आज बहुत सारे मेहमान हमारे इस खास प्रोग्राम में हुए हैं, माता शक्ति तो ज्यादा है।
और डॉक्टर जितेंद्र जामवाल जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। मैं अपने परिचर्चा के रूप में पहले कुछ मार्गदर्शन की से भी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। कामिनी जोशी जी हमारे से जुड़ी है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आज के खास विषय पर अपनी बात रखेंगे। कामिनी जोशी अपनी आवाज़ बुलबी रूप करें वीडियो पर। कामिनी जी, जी, सर धन्यवाद सर मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं अचानक मुझे कुर्रे सर का कॉल आया था कि मीटिंग है करके, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मतलब यहाँ अपनी बात रखनी है ऐसा करके। तो मैं, अब मुझे आमंत्रित किए हो तो मैं, माँ बाप मातृ पितृ दिवस है आज, उसके लिए तो आप सभी को बधाई और बसंत पंचमी की भी हार्दिक बधाई। मैं कुछ कविता के माध्यम से, जो अभी मैडम कौशिक मैडम अपनी बातें रख रही थी मातृ पुत्र दिवस के ऊपर पे, कि एक व्यथा बता रही थी कि परिवार के बच्चे पालन पोषण करने के बावजूद आजकल माँ बाप को जो है कुछ नहीं समझते, और बहुत सारी ऐसे तकलीफों से माँ बाप को गुजरना पड़ता है जो बिल्कुल दुखदाई होता है। तो मैं कविता के माध्यम से कुछ एक माँ की व्यथा को रखना चाहती हूँ, रख सकती हूँ सर? ये बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। जी सर, एक मिनट। क्या रुकिए बेटा। जी, कविता का शीर्षक है मत भूलो। यहाँ पे एक माँ अपने बच्चे से बात कर रही है कि तुम्हें जन्म देने का मेरा इरादा पक्का था, इसलिए शायद मैंने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा था। माँ एक अपने मतलब माँ जो है अपने दर्द को बयां कर रही है अपने बच्चों के व्यवहार को देखते हुए। तुम्हें जन्म देने का मेरा इरादा पक्का था, इसलिए शायद मैंने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा था। पर मुझे क्या पता था कि तुम मेरी दुर्गति का कारण बनोगे, मेरी ममता रूपी अमृत के बदले विष का घड़ा भरोगे। बचपन में तुम्हारा रुदन मुझे आहत कर देता था, मेरी अंधी ममता को पागल कर देता था। पर आज मेरी आंखों से बहता पानी भी तुम्हें बनावटी लगता है, मेरे घर में होना भी तुम्हें खलता है। कभी तुम जरा सा छींकते, मैं दौड़ कर डॉक्टर ले आती थी, अपने आंचल में छुपाकर तुम्हें रात भर सुलाती थी। पर आज जब मेरा बदन बुखार से तपता है, तुम्हें मेरा इलाज करना भी खटकता है। मैंने उस वक्त का हिसाब नहीं मांगा था जब तुम मुझसे रोटी मांगा करते थे। मैंने उस वक्त का कभी हिसाब नहीं मांगा जब तुम मुझसे रोटी मांगा करते थे, मेरे कंधे पर चढ़कर मुझे घोड़ा बनाया करते थे। पर आज मुझे 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होता है, टुकड़ों में मिली रोटी का भी हिसाब होता है। तुम्हें पालने में मेरी ममता में कभी खोट नहीं आई है। तुम्हें पालने में मेरी ममता में कभी खोट नहीं आई है, फिर क्यों तुमने मेरे सीने में ये चोट लगाई है? अगर यही चलता रहा तो इस सृष्टि को बदलना पड़ेगा। अगर यही चलता रहा तो इस सृष्टि को बदलना पड़ेगा। हर माँ को अपने स्वार्थ के लिए चलना पड़ेगा। फिर मत कहना कि माँ तुम वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हो। फिर मत कहना कि माँ तुम वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हो, कभी ना खत्म होने वाली कीर्ति हो। क्योंकि तब तक माँ के मायने बदल जाएंगे। इस धरती पर नए जीवन फिर कहाँ से आएंगे? इस धरती पर फिर नए जीवन कहाँ से आएंगे? धन्यवाद सर। जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सुंदर कविता के माध्यम से आज की इस परिचर्चा पे आपने अपने विचार व्यक्त किए। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ आज बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत जी। करता हूँ। भारती पटेल जी से आग्रह करता हूँ कि वो, सॉरी मैं उनका नाम थोड़ा सा गलत लिख लिया था। जी, कोई बात नहीं। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं भारती पटेल भवी सारंगढ़ से।
आप जी सबको अपने बारे में। मातृ पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ शब्द कहना चाहूंगी जल्दबाजी में, बहुत ज्यादा तैयारी तो नहीं कर पाई। जी नमस्कार, आप सभी को सुख संध्या और आप सबको मातृ पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवाज सही है, आप अपनी बात रखें। जी, मातृ पितृ दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसके विषय में मैं अपने विचार आप सबके बीच रखना चाहूंगी कि जिस तरह की संस्कृति अब हमारे बीच आ गई है, जब हम बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर से निकाल कर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जहां हमारे संस्कारों की हानि हो रही है, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, आप सभी उसी पीढ़ी के हैं जब हम शिशु मंदिर के संस्कृत के श्लोकों से अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। मातृ पितृ देवो भवः, और वो हमें शिक्षा देते थे कि आप रोजाना अपने माँ बाप के पैर छूकर ही स्कूल आया करें। जरूर आप सब उसी पीढ़ी के होंगे। धीरे धीरे कॉन्वेंट स्कूलों ने अपनी जगह बनाई और हमारी संस्कृति और ये सभ्यता खोती गई है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी का भावनात्मक हनन कर रही है। इस भावनात्मक हनन से बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। प्रणाम और चरण वंदन से हम हेलो हाय मॉम डैड पर उतर आए हैं। कहीं ना कहीं इसमें हम खुद भी भागीदार हैं, या फिर वक्त का तकाजा या मजबूरी कह सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से इससे हमारे बच्चों के मानसिक और सांस्कृतिक अनुभूति पर असर जरूर हो रहा है। हम सबको चाहिए कि एक ना मनाकर हम मातृ पितृ दिवस को रोजाना बच्चों के संस्कार में डालें कि किस तरह से बड़ों का आदर किया जाता है और किस तरह से माता पिता के लिए एक दिवस मनाने के लिए स्पेशल ना हो, कोई विशेष दिवस की आवश्यकता हमें पड़े ही ना, उस बच्चे के मन में इस तरह के बीज बोए जाएं कि वो स्वयं भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े और वो स्वयं से सम्मान करे कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि हम धीरे धीरे एक एकल परिवार में रहना शुरू कर दिए हैं। हम खुद नहीं दिखा पा रहे अपने बच्चों को कि हम अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को किस तरह से सम्मान करते हैं, हम उनकी बातें किस तरह से मानते हैं, उनका चरण स्पर्श और सम्मान किस तरह से करना चाहिए। तो ये एकल फैमिलियों का, एकल परिवारों का जो प्रचलन बढ़ा है, इससे ये संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए हम बच्चों को छोटी ही उम्र से अपने से दूर कर दे रहे हैं, हॉस्टल में डाल रहे हैं या कहीं बाहर। इससे बच्चों का जुड़ाव माता पिता से बहुत कम हो गया है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सारी चीजें उनको अकेले ही करनी है, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, सारे जितनी भी परिस्थितियां उनके सामने आ रही हैं, उसका सामना वो स्वयं अकेले समाधान करके ढूंढ के कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि जो सारी चीजें हमें अकेले करनी है, माता पिता बस पैसे देने की एक मशीन बनकर रह गए और अपेक्षाएं उन पर लादी जा रही। इस वजह से वो कुंठित होते जा रहे हैं। माता पिता से भावनात्मक लगाव बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इन चीजों को हमें आने वाली पीढ़ी में गंभीरता से लेते हुए मातृ पितृ दिवस को एक दिवस ना बनाकर एक संस्कार बनाएं तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बस ये छोटा सा संदेश लेके अचानक आमंत्रण पर मैं आप सबके बीच आई हूँ। धन्यवाद जी, आप सभी। बहुत 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 सुंदर विचार आज के इस पटल पर भारती पटेल जी ने रखा है, हमारे साथ बने रहे हैं भारती पटेल जी, बहुत शुक्रिया।
मैं धन्यवाद। आकांक्षा चौधरी से आग्रह करता हूँ कि वो भी स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें। आकांक्षा चौधरी, आप सभी को सादर नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज क्लीन है, अपनी बात रखें। आज मातृ पितृ दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम देखते हैं, मातृ पितृ दिवस मनाया जा रहा है कुछ वर्षों से, तो मैं ये कहना चाहूंगी, किसी को किसी विशेष दिन की जरूरत तो नहीं होगी बच्चों के लिए मातृ पितृ दिवस मनाना, कोई विशेष दिन रखना ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें आवश्यकता पड़ रही है। तो इसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहूंगी आप सबके बीच। एक समय हुआ करता था जब माता-पिता हमारे सामने बैठे हैं, हम उनके साये में पलते थे, बढ़ते थे, अपने से बड़ा मानते थे, संस्कार हमें दिया जाता था और हम उनका आदर करते थे। लेकिन ये हो रहा है आज के डेट में कि बच्चे उन्हें फ्रेंड से भी ज्यादा मतलब बराबरी समझते हैं। माँ बाप को जो आदर सम्मान देना चाहिए, वो संस्कार उनमें से कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। पहले ये हुआ करता था, पिताजी बैठे हैं तो हम पिताजी के सामने कैसे बैठेंगे, माताजी बोल रही हैं हम उनके सामने कैसे बोलेंगे। और ऐसे संस्कार हमको मिलते थे, जैसा कि अभी भारती पटेल जी ने बताया, स्कूलों में भी ये संस्कार दिया जाता था। सरस्वती शिशु मंदिर है और जो भी स्कूल हैं वहां संस्कार मिलते थे। आज इंग्लिश मीडियम के चलते जो स्कूलों में जा रहे हैं वहां भी संस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन जो पीढ़ी है हमारी अभी की, जो नई जो जनरेशन है, वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। आधुनिकता को ज्यादा वो लोग अपने व्यवहार में शामिल कर रहे हैं। तो आधुनिकता को केवल हम ज्ञान में शामिल करें ना कि अपने संस्कार में। संस्कार तो संस्कार होते हैं और ये सारे संस्कार उनमें बहुत कम दिखाई देते हैं। कभी ये होता था कि बच्चे अपने परेशानियों को, अपनी बातों को माँ पिता के पास रख नहीं पाते थे, और आज बच्चे इतने फ्रेंक हो गए, धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि बच्चों से मित्रवत व्यवहार किया जाए। तो मित्रवत व्यवहार करना और अलग से रहना, जैसे कि अभी बताया एकल परिवार में रहना भारती जी ने, तो कहीं ना कहीं संयुक्त तो परिवार से निकल के अपने आप को सेल्फिश बना लेना, अपने एक परिवार में रहना, संस्कार सब भूल जाना, तो बच्चों में भी वो आदत आ गई है कि हम अपने ही परिवार तक सीमित रहें, बाहर के लोगों को ना जाने, नाते रिश्तों को ना जाने, संस्कार को ना जाने, ऐसा उनमें भावना जो आ गया है। और उसके तहत माँ पिता को भी वो लोग वैसा ही मित्रवत व्यवहार करते हैं, जैसे कि माँ पिताजी से, माता जी से, पिताजी से, आजकल मॉम डैड बन गए हैं, हेलो हाय करने लगे हैं। जी सही कह रहे हैं आप, तो ये जो बिल्कुल संस्कार हैं, संस्कारों में कमी उनमें दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं हम सब की भी लापरवाही है, और इसको सुधारने के लिए हमें खुद को संभालना पड़ेगा, समाज को संभालना पड़ेगा। एक घनाक्षर ही आप सबके बीच रखना चाहूंगी माता पिता के बारे में। स्वागत है जी, स्वागत है। बच्चे माता पिता के धन को देखते हैं, जैसे दो दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, तो माता पिता के पास कितना धन है, किसके बंटवारे में क्या आएगा। तो इस बंटवारे को लेकर मैंने एक कृपाण घनाक्षरी लिखी थी, आप सबके बीच प्रस्तुत करती हूँ। शब्द शब्द बोले रहे, ममता को तोले रहे, खजाने टटोले रहे, पूछते ये अधिकार, दुनिया में आज कहीं भलाई का मोल नहीं, माताएं भी खोज रही बच्चों बीच में दुलार। बच्चे ज्यादा पढ़ लिए, शहरों में बढ़ लिए, घर नया घर लिए, भूल गए घर द्वार, किसी की ना सुनते हैं, स्वप्न नए बुनते हैं, माता पिता गुनते हैं, कैसा है ये व्यवहार। आज बच्चे इतना मतलब आगे बढ़ चुके हैं, अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं कि माता पिता की भावनाओं को लोग महत्व ही नहीं देते, मैं अपना सब कर लूंगा, उनके उनके मन में ये भावनाएं आ गई है। तो हमारे चीज को हम जानते हैं, हमारे माता पिता कुछ नहीं जानते, हम स्वयं सक्षम है, ये भावना उनके मन में आती जा रही है इस जनरेशन में। तो माता पिता भले ही कितना भी उनसे पढ़ाई में कम रहे, लेकिन वो जो उनके संस्कार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, हमेशा उनसे ऊपर रहेंगी।
और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। जी, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे चैनल के संपादक मेघराज सिंह जी आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मेघराज सिंह साहब आज के मातृभाषा दिवस पर अपनी बात रखें। सबको सत श्रीकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु फतेह, जय गुरु निवासी और जय संविधान और जो भी आप बोलना चाहते हैं, जय जोहर। देखो इसमें विचार जो है ना चलते रहने चाहिए, जैसे आप लोग मन से दिमाग से और सबसे विचार कर रहे हैं ना, ये जरूरी है सभी के लिए, जरूरी है बच्चों के लिए ना केवल। जैसे मैं बहन जी बोल रही थी कि उनके दिमाग में ऐसी बातें चलती है, देखो उनका हर एक चीज का जो है ना एक दायरा होता है, हर एक चीज की एज का हिसाब होता है। जैसे हम वैसे 20 साल पहले चले जाए तो हमने अपने पिताजी की बात कभी मानी ही नहीं है, हमें बोलते थे तो तुम्हें क्या पता, तुम तो यहाँ पर बुजुर्ग आदमी हो गए। लेकिन आज उनकी बातें हमें याद आती हैं कि उनकी बात सही थी, हम गलत थे। तो कई चीजें ऐसी होते हैं वक्त के हिसाब से उसको मोड़ देती है चीज को, तो वक्त के हिसाब से किसी को ज्यादा जब प्रेशर पाकर किसी के ऊपर, वो भी गलत है, उसको समझा, उसको बता दो भाई ऐसा नहीं ऐसा है, वो समझे ना समझे अलग बात है, लेकिन हाँ प्रयास जारी रखना चाहिए। अगर ये जो सवाल रखी आपने इसके लिए आपका धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी आप डिबेट करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। जी, मेघराज जी अमेरिका से जुड़े थे हमारे साथ में, और उनका धन्यवाद करता हूँ। वर्षा जैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आज के विषय पर अपनी बात रखें। वर्षा जैन, बहुत स्वागत है, अपनी आवाज को म्यूट कर। जी सर, हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है मैडम, अपनी बात रखेंगे। जी सर, जी सर, नमस्ते सर। सर चूंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, नेटवर्क इशू था, इसलिए मुझे कुछ उतना शुरुआत का पता नहीं है, लेकिन जहां जी तक ये आज की संगोष्ठी मातृ पितृ दिवस के ऊपर है जी जी उसी के ऊपर ही आप बातें चल रही है, डिबेट चल रही है। जी जी, मैं यही कहना चाहूंगी सर इस पर कि समय के साथ अपडेट तो सभी को होना ही पड़ेगा। और आप ये देखिए कि जैसी हमारी खुद की विचारधाराएं उम्र के अनुसार बदल जाती हैं, कई बार ऐसा लगता है जो विचारधाराएं, जो हमारी सोच बचपन में होती है, एक टीन एज में होती है, वो परिपक्वता की उम्र में वो सारी चीजें बदल जाती है, और जो हमारी सोच है वो हमारी परिपक्वता में अनुभव बन जाता है और हम अपने बच्चों को बताते हैं। ये तो है कि जनरेशन गैप हुआ है, बहुत सारी चीजें बदल गई, हमारे समय में जो चीजें संस्कार थे आज वो हट चुके हैं काफी हद तक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म हो गए। अभी भी कई घरों में, कई जगह जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो चल रही है उसमें संस्कार बाकी हैं बहुत ज्यादा, ना सही। और उन्हीं को संजोने के लिए आज से पहले तो मातृ पितृ दिवस नाम से नहीं मनाया जाता था, लेकिन वही चीजें याद दिलाने के लिए मुझको लगता है ये धीरे धीरे बीच बीच में टचअप जो बच्चों को एक देना चाहिए उसी के लिए ये मातृ पितृ दिवस है, और बहुत सारी चीजें आने लगी हैं। तो समय के साथ जैसा हम अपने घरों में करते हैं, क्योंकि मेरा परिवार संयुक्त है, हम लोग 21-22 लोग हैं, तो हमारे यहाँ कुछ जी सारी चीजें बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती सर। तो जी ये जो एक एकल संयुक्त परिवार और एकल फैमिली, जरूरी नहीं है सारे लोगों को आजादी ही चाहिए इसलिए अलग हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, अब नौकरी है, जॉब है, इसलिए भी जाना पड़ता है। लेकिन यदि हम जुड़े रहें लगातार, समय समय में आते जाते रहें, तो कुछ हद तक वो जड़ें अपनी बनी रहती हैं। तो जी इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को समय समय में सारी चीजें बताते रहना चाहिए। रही बात सोशल मीडिया की, तो बहुत अच्छी भी चीजें हैं और बहुत खराब भी चीजें हैं। आप एक समय तक ही अपने बच्चों पर नजर हम रख सकते हैं सर, एनी टाइम नहीं रख सकते, जी कुछ समय के बाद उनका स्वविवेक है, जहां तक हमारी पहुंच है हम उनको संस्कार देंगे, आगे तो फिर उनका है समय। उनकी मर्जी है। जी बस मैं जी सर, जी बहुत शुक्रिया वर्षा जैन जी, आपने बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छी बातें कही हैं, हमारे साथ बने रहे हैं। अब मैं हमारे जो पिता समान हैं उनसे मैं चाहूंगा कि पितृ प्रधान जो पुरुष है
उनके भी इसमें जाना चाहूंगा, दिगंतपुरी भी, राजेंद्र बंजारे और डॉक्टर जितेंद्र झंगड़ी जी। अभी तक हम मात्र शक्ति के पास में गए थे, उनके विचारे सुन रहे थे, तो मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूंगा कि वो आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब, जी सर, थोड़ा समय समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज मेहमान ज्यादा है, इसलिए समय जल्दी से समाप्त होते जा रहा है। जी जी, वाहेगुरु सतनाम और वाहेगुरु खालसा। आप सभी को जय संविधान, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज मातृपिता दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, और 14 फरवरी के दिन मातृपिता दिवस का पूजन दिवस के रूप में जाना जाता है। यह दिन माता पिता को सम्मान, प्यार और देखभाल देने के लिए समर्पित है, जिसके वे हकदार हैं। इस दिन की शुरुआत माता पिता के लिए सच्चे प्यार और सच्चे वैलेंटाइन डे को उसके शुद्धतम रूप में मनाकर हर घर और मानव हृदय में एक सामाजिक जागृति लाने के लिए यह पहल शुरू की गई थी। माता पिता पूजन दिवस माता पिता और बच्चे के बीच के बंधन का उत्सव है। मातृपिता पूजन दिवस मनाने का उद्देश्य जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, बच्चों का यह कर्तव्य है कि उन्हें भी वे सम्मान दे। सम्मान और आदर वैसे तो पूरे वर्ष जीवन भर करना चाहिए, जो सिर्फ उनको समर्पित हो। इसलिए मातृपिता पूजन दिवस हम सब मनाते हैं। मातृपिता पूजन दिवस के दिन बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी पूजा करें, उन्हें उनके द्वारा त्याग के लिए धन्यवाद करते हुए जो हो सके उपहार दें। इस दिन अपने माता पिता का कार्य कर उन्हें आराम देने की कोशिश करें, और आगे जीवन में कोई भी संकट ना आए उनके लिए संकल्प लेते रहें। इस अवसर पर अनेक स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दिन मातृपिता दिवस का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें माता पिता की सेवा कर उनकी अनूठी मिसाल पेश करने वाली संतान को सम्मानित किया जाता है। मातृपिता पूजन दिवस की शुरुआत देश की भावी पीढ़ियों को, हमारे युवाओं को वैलेंटाइन डे को कि सभी दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए चालू किया गया था। युवावस्था वासना कामुक आनंद में खुद को नष्ट कर लेती है, कई गलत काम करते हैं, धोखा खाते हैं और अंत में निराश अवसाद में गिर जाते हैं, और कभी-कभी स्थिति इतना खराब हो जाती है कि वे आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेम दिवस, जिसको हम वैलेंटाइन डे के नाम पर विनाशकारी काम विकार का विकास हो रहा है, जो आगे चलकर चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, खोखलापन, जल्दी बुढ़ापा और मौत लाने वाले साबित होता है। अतः हम सब भारतवासी इस अंधेरेपन से सावधान हो। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूं। साहब जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आपने संक्षिप्त में बहुत अच्छी बातें कही है। मैं डॉक्टर जितेंद्र झंगड़े सागर जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें के खास मशीन पर। पुनः सबको जय सतनाम, नमस्कार। आज का
गौरव का दिन है माता पिता डे, माता पिता दिवस। माता पिता दिवस हमारे मानव समाज के लिए कितना आवश्यक है। आज के परिवेश में माता पिता का कर्ज, हम उनकी कर्ज और फर्ज को हम कभी अदा नहीं कर सकते, कभी नहीं छूट सकते। और कई कवियों ने, कई महापुरुषों ने इनको अपने अमृत वाणी पर कहा है, उसका विश्लेषण आज हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। अगर इस माता पिता दिवस का हम सही मूल में, सच्चा मायने में अगर हम अर्थ जाने और अपने बहुत बच्चों को, बेटी बेटा को हम का संस्कारवान बनाए, तो बिल्कुल यह मानव समाज है, शिक्षित बनेंगे और माता पिता का सेवा करेंगे, कोई माता पिता दुखित पीड़ित नहीं होगा। तो आज का विषय है बड़ा महत्वपूर्ण मानव समाज के लिए, माता पिता नगदी सेवा छाड़ के, माता पिता नगदी सेवा छाड़ के उधारी सेवा करे संसार, उधारी सेवा करे संसार। कौन भाव जग समझाऊं, कौन भाव जग समझाऊं, माता पिता कर्ज फर्ज होत उधार, माता पिता कर्ज फर्ज होत उधार। इसका अर्थ है इस संसार में माता और पिता ने हमको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, नौकरी करने के लिए, धनवान बनाने के लिए, अच्छे अच्छे पदों तक पहुंचाने के लिए उन लोगों ने कितना कड़ी मेहनत करता है, कितना कोई माता पिता कर्ज लेकर के जमीन जायदाद बेच करके अपने बच्चों का पालन करता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है और अच्छा इंसान बनाता है। परंतु वही बच्चा है जो पढ़ लिख करके नौकरी पा करके धनवान बन करके वो उधारी सौदा करने लग जाता है। माता पिता का जो सेवा है, जो नकदी सेवा इस संसार में, उस नकदी सेवा को भूल करके वही बच्चा जब धनवान बन जाता है, अच्छे ऊंचे पदों में चला जाता है, तो वह बौरा जाता है और माता पिता के कर्ज को छूट नहीं पाता है। आडंबर रूढ़िवादी में धन पैसा खर्च करता है, भक्ति भाव में वस्त्र, नाना प्रकार का वस्त्र, गहना और अनेकों खर्च अपने बनावटी धर्म के स्वरूप खर्च करता है, परंतु वही माता पिता तड़पता है, दुखित रहता है, वो उसका सेवा नहीं करता है। तो माता पिता का सेवा है जो नकदी सेवा है, रूढ़िवादी आडंबर में पूजा पाठ में धन संपत्ति को सबको बर्बाद करना, ये उधारी सौदा है। तो उधारी सौदा को लोग सारा संसार कर रहे हैं, परंतु नकदी सौदा को कोई नहीं कर रहा है। यह बड़ी दुख की बात है। आज के परिवेश में हमारे बच्चा, हमारे जो पुरातन संस्कार है, संस्कृति है, उनको भूलते जा रहे हैं और टीवी सीरियल के माध्यम से नई नई संस्कार संस्कृति है जो मानव समाज पर बच्चा का छोटे स्वरूप से ही, छोटे उम्र से ही वह संस्कार हावी हो रहा है। ये हमारे पुरातन संस्कृति के लिए हानिकारक है, घातक है। मैं एक शब्द गाना के माध्यम से बता रहा हूँ, जैसे हमारे पंथी गाना में गाता है, उसे घोर कोई गा देता हूँ, समय का भाव है। झन भूला बे दाई दादा के मैला, झन भूला बे दाई दादा के मैला, तोरे सिर जा हे कंचन कायला, तोरे सर जा हे कंचन कायला। ये कितना बड़ा भक्ति भाव गाना है। इस आज मुझे आज पहचान मिला है समाज में, देश में, घर में, परिवार में, वो किसकी देन है? माता पिता की देन है। हमारे कंचन काया को, इस शरीर को किसने सिर जाया है? उस माता पिता से हम दूर जा रहे हैं। ये गाना के माध्यम से हमारे संतों ने इसी बात को तो समझाया है। और ऐसे अर्थार्थ रूप से जब हमारे बच्चा विश्लेषण करेंगे, माता पिता की कीमत को जानेंगे, उनकी जो हमारे लिए जो कितना कष्ट उठाया है उसको जानेंगे, तो माता पिता का सेवा आने वाला पीढ़ी बच्चा लोग अवश्य करेंगे और संस्कारी वान बनेंगे हमारे आने वाला पीढ़ी। तो ऐसा डिबेट और ऐसा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए स्कूल में, पाठशाला में इनकी तो पाठ होना चाहिए कि माता पिता की सेवा करना नकदी सौदा है, और उनको छोड़ करके और किसी आडंबर रूढ़िवादी पूजा पाठ में जाना है जो उधारी की सौदा है।
ऐसे पाठ होना चाहिए जिसे जान करके आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो संस्कारवान बनेंगे और संस्कृति संस्कार के माध्यम से मानव समाज में माता पिता का सेवा एक बड़ा सेवा है, इस पर लोग जानेंगे। तो समय की अभाव है तो मैं अपनी वाणी को वहीं पर विराम जी, देता हूँ। सबको नमस्कार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी अपने विचार रखने के लिए। हमारे बीच में जितेंद्र पुरे साहब हैं, बहुत दर्द से सुन रहे हैं सभी वक्ताओं को। मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें आज के इस खास परिचर्चा पर। जितेंद्र बहुत बहुत आप सबको नमन प्रणाम। बहुत अच्छा चर्चा हो रहा है। निश्चित ही आज मातृ पितृत्व दिवस है और सबने अपनी अपनी बातें रखी। बहुत अच्छा लगा। भारती में बहुत अच्छा अच्छे से अपनी बात रखी थी और पूर्णिमा चौधरी मैम भी बहुत सुंदर बात अपनी रखी थी। निश्चित ही मैं दोनों की बात और सभी की बात को मैं सहमत करता हूँ। हम पश्चिमी सभ्यता की ओर आगे बढ़ जा रहे हैं और हम जो है हमारी प्राचीन जो सभ्यता थी, जो हम माता पिता को बहुत आदर सम्मान के साथ प्रणाम करते थे, अब थोड़ा से धीरे धीरे इस पर जो है बहुत सारी जो है परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यही बात रखूंगा। निश्चित ही हम जो है कहीं ना कहीं हमको जो है हमेशा एक संस्कृति को बचाने के लिए अपनी माता पिता की जो सम्मान बहुत ही जरूरी है। और निश्चित ही यदि हम माँ की चरण जब स्पर्श करते हैं तो निश्चित हमको बहुत ही आशीष मिलता है। और हर माँ की बात है, यदि उनकी उसका बेटा जो है कहीं दूर चले जाते तो बहुत फिक्र रहती है। हमेशा फोन में बात करती रहती है, कैसे हो, कहाँ हो, खाना खाए कि नहीं, तो बहुत चिंता रहती है माँ को अपने बेटा के लिए या अपनी बेटी के लिए। तो माँ जो है, माँ और पिता जो है, जो ये एक प्रकार के भगवान के रूप एक, और माता को तो प्रथम पाठशाला बोला गया है। अगर गुरु से पहले यदि कोई शिक्षा देते हैं तो निश्चित है वो हमारे माता पिता ही हैं और घर से ही संस्कार निकल के आती है। तो हम जो है हमेशा माता पिता के हमेशा आदर करें, उनका संस्कार करें। मैं माँ के ऊपर एक मेरी रचना है, उनको आप सभी के बीच में साझा करता हूँ। मैं अपनी माँ की चरणों में सदा आशीष पाता हूँ, हृदय के पास वही है सदा मैं गुनगुनाता हूँ। कहीं जब दूर जाता हूँ फिकर वह खूब करती है। अनिश्चित ही जब हम कहीं दूर चले जाते हैं तो माँ को बहुत ही चिंता रहती है। मैं उसी परिप्रेक्ष्य पर ये रचना लिखा हूं, मुक्तक आप सबके बीच में साझा करता हूं, सुनिए बढ़िया ध्यान से। कहीं जब दूर जाता हूं फिकर वह खूब करती है, चला जिसकी पकड़ उंगली उन्हीं का मैं दुलारा हूं, चला जिसकी पकड़ उंगली उन्हीं का मैं दुलारा हूं। और माँ जो है ममता की मूरत होती है। तब मैं पंक्ति लिखता हूं कि तुम ही मूरत हो ममता की, तुम ही शुभ ज्ञान मेरी हो, लाडला हूं तुम्हारा ही, तुम ही अभिमान मेरी हो। पुण्य आशीष से तेरी, पुण्य आशीष से तेरी सदा ही मैं सुरक्षित हूँ, पुण्य आशीष से तेरी सदा ही मैं सुरक्षित हूँ, कृपा करती हो नित मुझ पर तुम ही भगवान मेरी हो, कृपा करती हो नित मुझ पर तुम ही भगवान मेरी हो। निश्चित ही सभी ने अपनी अपनी माँ के लिए रचना सुनाए हैं और बात रखे हैं, और शायद मैं पिता के ऊपर कोई रचना नहीं सुनाया। मैं यदि समय हो तो पिता के ऊपर भी रचना सुनाना चाहूंगा। जगदीश भैया म्यूट है, रखेंगे, म्यूट है। जी 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 संक्षिप्त में रखें, संक्षिप्त में रखें। संक्षिप्त में रखता हूँ। पिता का भी, पिता का प्यार सुनिए।
पिता प्यारा है मुझ सब में, मैं छाया हूँ जिन भगवन का, बिठाया कांध में मुझको, सिखाया सूत्र जीवन का। आज बूढ़े भले हैं वो तेज, फिर भी मुखमंडल में रूप देवों के लगते हैं, बैठ शोभा बन आंगन में। पिता का प्यार जो पाया, वो जग में कुंदन बनता है। पिता के सिख जो धारे जो, वही सुख नंदन बनता है। पिता के पुण्य आशीर्वाद से जग को महकाया है, जो कोई रोक न पाए जो, वही गंधित चंदन बनता है। तो निश्चित ही पिता का प्यार जो है, बहुत ही पिता और माँ के जो संस्कार हैं, हमेशा हमको जो है, यदि कोई बेटा या बेटी आगे बढ़ रही है, तो निश्चित उनके माता पिता का ही बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं का गुणसूत्र है, हम विज्ञान की भाषा में बोले तो उन्हीं का एक जीन है, वंश है, जो आज एक पिता और मैं आज जो कुछ भी हूँ। यदि आज मैं साहित्य पर भी कुछ सृजन कर पा रहा हूँ, आज आप सबके बीच में मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये माता पिता का ही देन है। मैं अपने माता जी पिता जी को जी प्रणाम करता हूँ, और मेरे साथ साथ तमाम उन सभी के माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया गिरिजन कुरेश जी, आपने अपनी कविता के माध्यम से आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखे हैं। मैं अगले कुछ समय हमारे पास बचे हुए हैं, 7-8 मिनट बचे हुए हैं, उस पर मैं चाहूंगा कि 1-1 मिनट में दोबारा सभी को अवसर मिल सके उस टॉपिक में फिर से संक्षिप्त में और सारांश में अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि तो जितनी भी विस्तार से बातें हैं वो हो चुकी है। मैं दोबारा सभी को मैं थोड़ी थोड़ी अवसर हमारी माँ शक्ति को चाहूंगा, रेखा फिर से कहूंगा आज के विस्तार से जो चर्चा हुई है इस पर संक्षिप्त अब मैं अपनी बात रखेंगे आज की इस पर चर्चा। रेखा जी जी, पुनः नमस्कार, नमन वंदन। मैं माँ के लिए 2 लाइन रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी। पैबंद लगे आंचल में भी आंच नहीं आने देती है माँ, पैबंद लगे आंचल में भी आंच नहीं आने देती है माँ, पाँव के छाले सहकर भी नया जीवन देती है माँ, पाँव के छाले सहकर भी नया जीवन देती है माँ। माता पिता का अभी जो वर्तमान स्थिति है, तो माता पिता भी के समय में दोनों कामकाजी हो गए हैं, और जो समय का अभाव है, जो एकल परिवार के जिस के मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वाकई में अभी सामूहिक रूप से रहना नहीं हो पा रहा है, एकल परिवार को लोग ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, और इसी के चलते जो संस्कार में कमी इतनी की वजह से आई है। जैसे कि पहले के समय में परिवार साझा करते थे, एक साथ रहते थे, तो उसमें चाची, मामी, दादी, नानी, मतलब पूरा संयुक्त तो परिवार हुआ करते थे, तो बच्चों को सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। अब सिंगल पेरेंट्स हो गए, माता पिता और बच्चे, तो उसमें कमी इस बात की आई है कि किससे सलाह मशवरा ले, क्या समझे, तो बच्चे अपने अपने में चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कम उम्र के बच्चे हैं तो उनका दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ रहता और आधा ज्ञान मिलता है उनको, तो उनके वजह से भी बच्चों में जो कमी जो देखने को मिल रहा है, संस्कार की कमी, उन्हीं की वजह से मिल रही है। माता पिता भी हमारे हम जो अभी अभी के जनरेशन है वो उतना समय नहीं दे पाते, और समय अभाव के चलते मैं उसको मुख्य वजह मानती हूँ, क्योंकि संस्कार हमें स्कूल से तो मिलता ही है, और अभी इंग्लिश मीडियम में जैसे बात हो रही है तो कम मिल रहा है करके, लेकिन घर का भी संस्कार हो क्या, घर से हमें वो संस्कार हम बच्चों को नहीं दे पा रहे माता पिता, तो इस वजह से भी कमी आई है। तो वो शुरुआत हमें घर से करना पड़ेगा, अपने बच्चों के प्रति हमें खुद को करना पड़ेगा, हमें देखकर बच्चे भी सीखेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बच्चे बड़ों से सीखते हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अभी तो पढ़ लिख बहुत गए हैं, अच्छे अच्छे पदों पे आसीन हो गए हैं लोग, लेकिन संस्कार के कमी के चलते वृद्धाश्रम बहुत ज्यादा खुल गए हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, तो ये समाज में एक
सोचने का विषय है, चिंतन मनन करने का विषय है। और मातृ पितृ दिवस की पुनः सबको मैं बधाई देती हूँ। मेरे माता पिता तुल्य लोगों को सबको नमन करती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। जी बहुत शुक्रिया रेखा जी। वर्षा जैन से जी से आग्रह करूंगा दोबारा अपनी आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। वर्षा जी जी सर, जी सर, जी सर। सर, जितनी सारी बातें हो रही हैं उससे मुझको ये लगता है, चूंकि मेरे मम्मी पापा तो 20-21 साल पहले दोनों गुजर गए, मैंने जी खुद अपनी बहनों की शादियां की हैं, मुझसे छोटी की पहले की है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि यदि आपने संस्कार का बीज रोपा है सर कहीं ना कहीं, तो वो एक समय में निश्चित उभर कर सामने आता ही है। और जैसे आज हम अपेक्षाएं अपने बच्चों से कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं मातृ पितृ दिवस के दिन माता पिता की महत्ता, तो मुझको ये लगता है कि वो जैसे कहते हैं ना, आज वो शिष्य नहीं है एकलव्य जैसे, तो द्रोणाचार्य जैसे वो भी तो नहीं है सर गुरु, तो इसलिए जो उस समय के माता पिता के संस्कार थे, मुझको लगता है कि आज के आने वाले जो माता पिता है ना, उनमें भी थोड़ा सा कमी है, इसलिए बच्चे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं सारी चीजों को। तो इसीलिए तो सबसे पहले तो हमको जी खुद बिल्कुल सोचना पड़ेगा, हम जैसा घर में परिदृश्य निर्मित करते हैं सर, बच्चे वही सीखते हैं। पहले हमारी जी माएं सिर से पल्ला नहीं गिरने देती थी, तो हमारे अंदर वही संस्कार थे। आज तो काफी कुछ है, तो जनरेशन तो आगे बढ़ते ही जाएगी ना, तो मुझको लगता है सर धीरे धीरे इन सारी चीजों को खुद में भी अपडेट करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको भी कुछ समझना है और बच्चों को भी समझना है। तो मातृ जी पितृ दिवस की जो महत्ता है ना सर, तभी सार्थक होगी। और अगर हम एक दूसरे की तरफ खींचातानी करेंगे, नहीं बस बिल्कुल तुमको सम्मान ही करना है, तो वो धीरे धीरे ना कहीं टकराव शुरू होता है। लेकिन माता पिता की जगह तो कोई ले नहीं सकते सर। आज उनके जी दिए संस्कार है कि हम 25 साल से अकेले रहते हुए भी सही लाइन में हैं, जी तो ये कहीं ना कहीं जी मायने बहुत रखता है जी सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस कार्यक्रम में जी जुड़ने जी के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मैं राजेंद्र यादव साहब से कहूँगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें, फिर हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। राजेंद्र यादव साहब, जी जी सर, जी सर, राजेंद्र जी यादव सर, साहब जी। पुनः धन्यवाद आपको सभी को। वास्तविक में देखा जाए तो माता पिता ही बच्चों को संस्कार नहीं देने के कारण हम ही सब उनके वास्तविक में दोषी तो हम ही हैं, क्योंकि बच्चों को जैसे 2-2.5 साल हुआ हम उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, बालवाड़ी केंद्र भेज देते हैं और कहीं भेज देते हैं, और भेज करके हम उनसे दूर कर लेते हैं। बच्चे उस समय उसके खेलने का समय रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और चिड़चिड़ापन हो करके धीरे धीरे हमसे दूर होते जाता है। उसको प्रेशर दे देते हैं कि ये पढ़ो, वो ये करो, वो हम उनकी पसंद का कुछ नहीं देते हैं। फिर भी माता पिता का कर्तव्य हमेशा बना रहता है, अब बच्चों पे प्रेम बना तो रहता ही है और बच्चों को भी इसी तरह से बना होना चाहिए। मैं एक संक्षिप्त में एक कविता के माध्यम से माता पिता का महत्व क्या है जानना बताना चाहूंगा सर। चरण पूज लो माता पिता के, उनसे बड़ा न देव कोई होगा। प्यार और अनुशासन का संगम है, ये इनके आशीर्वाद से ही जीवन सफल होगा। माता पिता ही सच्चे गुरु हैं, जिनमें निहित है व्यवहारिक ज्ञान, जीने की कला सिखाते हैं वो, न करना कभी उनका अपमान। दुनिया की सारी दौलत से माता पिता ही मूल्यवान हैं, उपकार बहुत है उनके, सदा करो उनको सम्मान। जो हर मोड़ पे दे साथ सदा, जिन्हें हमारे लिए अपने सपने दफनाए हैं। नतमस्तक होकर माता पिता के चरणों में अपना जीवन सफल बनाए, अपनी खुशियां को दरकिनार कर बच्चों की खुशी के लिए जिए वो सदा। वंदन है उन माता पिता को
जिन्होंने हमको जीवन दान दिया। जीवन भर ऋणी रहेंगे उनके, हम पर है बड़ा एहसान किया। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी मदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। ये रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उनके चेहरों में न थकावट देखी, न ममता में एक मिलावट देखी। माता पिता का साथ, उनका विश्वास, जीवन का सच सुख है उनके चरणों में सिर झुकाएं हमेशा, यही हमारा परम धर्म है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाँ, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। मैं आज की इस परिचर्चा को करने से पहले मातृ पितृ दिवस के अवसर पर हमारे साथ जुड़े रेखा कौशिक जी का, कामिनी जोशी जी का, वर्षा जैन जी का, आरती पटेल जी का, आकांक्षा चौधरी जी का, डॉक्टर जितेंद्र डामरे जी का और रिजन कोरे साहब का धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने अपना दिन समय निकाल कर आज के मातृ पितृ दिवस की जो खास दिन है इसको याद करने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए मैं वाइस मानव पटेल की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में फिर किसी खास विषय को लेकर हम अपने इस चैनल में आप लोगों का मदद करेंगे। और आज के इस परिचर्चा पर विस्तार से बात हो चुकी है। इस परिचर्चा को अगर आप लोगों ने देखा सुना है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें मदद चाहें। और मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जोहार, शतनाम, सत श्री अकाल।